वेलकम दोस्तों, हम लोग फिर से वापस आ गए हैं एक और ब्रांड का केस स्टडी लेके। एक ऐसा ब्रांड है जो हेल्थ कॉन्शियस मार्केट को टारगेट करता है। अगर आप भी हमेशा से लो फैट हाई प्रोटीन डाइट में हैं मेरे जैसे, या फिर आप हमेशा से एक्सरसाइज में हैं, जिमिंग में हैं, तो आप शायद इनका टारगेट ऑडियंस है, यहाँ तक कि आप शायद इनको यूज भी करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एल्पिनो के बारे में। एल्पिनो एक हेल्दी फूड ब्रांड है जो 2019 में शुरू हुआ था। आपने सुना होगा ब्रांड स्टार्ट होता है एक हीरो प्रोडक्ट से, और वो हीरो प्रोडक्ट उनको बाकी कैटलॉग में आने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जाते हैं, उनका नाम बनता है एक प्रोडक्ट से। एल्पिनो ऐसे स्टार्ट हुआ था एक हीरो प्रोडक्ट से, जो था उनका पीनट बटर। लेकिन इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, सिर्फ 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। अब थोड़ा बात करते हैं प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आया। क्या आपको पता है जितना पीनट बटर प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उसका 90% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर। जी हाँ, इनका प्रोडक्ट आइडिया भी वहीं से आया था। इन्होंने सोचा कि पीनट्स तो यहीं पे उगता है, तो क्यों ना पीनट बटर भी यहीं पे हम लोग ज्यादा बनाएं और इंडिया पे ही सेल करें। लेकिन इन्होंने जब मार्केट रिसर्च किया, तब इनको लगा कि यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, इनको मेहनत तो करना बहुत ज्यादा पड़ेगा। और वही था इनिशियल टेंशन चेतन का, जो एल्पिनो का फाउंडर है। अभी हम लोग थोड़ा रेवेन्यू का बात करें। 2019 में जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ, तभी से ही ये ब्रांड बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर दिया था। 2021 में इन्होंने लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और शार्क टैंक में आने के बाद ये नंबर तो और भी ज्यादा बढ़ गया था। और 2023 में ये ब्रांड इंडिया का वन ऑफ द टॉप हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स ब्रांड का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड बन चुका था, जिसमें 50 से ज्यादा सिटीज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन था और 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को ये फीड कर रहे थे। 2024 में इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन को और स्ट्रॉन्ग किया और अपना प्रोडक्ट रेंज को और एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। लेकिन ये सबसे हटके क्या चीज ये ब्रांड को अलग बनाता है, जहाँ पे हम लोग देखते इतने सारे पीनट बटर ब्रांड्स हैं, तो कैसे इन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये एक हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करना चाहते थे, और मैं अगर आपको इनका प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताऊं, जैसे प्रोटीन बार्स, प्रोटीन पाउडर्स, यहाँ तक कि बहुत सारे स्नैक्स ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करते हैं, जो इनका खासियत था। अभी हम लोग थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर जाते हैं। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एड्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये रेगुलर बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैब करते हैं, और इस तरीके से इनका एथलीट्स भी बहुत ज्यादा है। थोड़ा बात करते हैं इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में। एल्पिनो इनका खुद का D2C वेबसाइट, Amazon, Flipkart ऐसे मार्केटप्लेस पे मौजूद है। इनका ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और उसी की मदद से इन्होंने अपना कस्टमर बेस को बहुत ही रैपिडली ग्रो किया है। और आपने देखा होगा, अभी अगर जाके आप कोई भी बॉडी बिल्डर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखें, उसमें से मैक्सिमम लोग आप देखेंगे एल्पिनो को प्रमोट कर रहे होंगे। तो इनका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत ही हटके एंड बहुत एग्रेसिव होते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें इनका फ्यूचर के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करें, जैसे मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में। न्यू प्रोडक्ट्स की अगर बात करें जो ये देख रहे हैं, जैसे पीनट प्रोटीन पाउडर्स, म्यूजली, और इस तरीके से इनका प्रोडक्ट रेंज इन्होंने बढ़ाने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट भी फ्यूचर में अपना प्रोडक्ट रेंज को और बढ़ाने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई और ब्रांड के ऊपर इसी तरीके से एक वीडियो बनाएं, तो मेक श्योर कीजिए आप कमेंट में उस ब्रांड का नाम लिख दीजिए, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो बना सके। इस वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।